आज मैं लेके आई हूँ मार्केट जैसे चटपटे और मसालेदार लहसुन के अचार की रेसिपी। इस वीडियो को देखकर अगर आप अचार घर में बनाएंगे तो मार्केट से अचार खरीदना बंद कर देंगे और खुद घर में अचार बनाने लगेंगे। बिल्कुल चटकदार और टेस्टी अचार आप घर में बना सकते हैं और अभी सर्दी का मौसम है तो तरह तरह के पराठों के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और खा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसकी रेसिपी शेयर की है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कोई भी अचार बनाने की शुरुआत हम लोग मसाला बनाने से करते हैं। मैंने यहाँ पे पैन गरम करने रखा है। पैन गरम होने के बाद यहाँ पे मेथी डालना है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मेथी डाली है, 2 टेबलस्पून के करीबन यहाँ पे मेथी ली है। सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है, इसमें तेल का यूज़ नहीं करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लें, आपको जितने क्वांटिटी में अचार बनाना है उसके हिसाब से आप सभी मसाले ले लें। लो गैस फ्लेम पे हमें मेथी को अच्छे से भूनना है। आप देख सकते हैं मेथी अभी चटकने लगी है। 2 मिनट तक मैंने स्लो गैस पे इसे अच्छे से भून लिया है, इसका कलर भी चेंज होने लगा है। ऐसे ही हमें मेथी को भून लेना है, तभी इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। अगर मेथी अच्छे से हम लोग नहीं भूनेंगे तो इसका टेस्ट कड़वा लगता है। मेथी अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसे अलग निकाल लिया है। अभी पैन में हम लोग दूसरी चीज़ें भी भून लेंगे। मेथी के बाद हमें यहाँ पे भूनना है जीरा और सौंफ। जीरे की क्वांटिटी सौंफ के हिसाब से मैंने थोड़ी कम ली है। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा लिया है और 2 चम्मच यहाँ पे सौंफ लिया है। सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो इस लहसुन के अचार में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। मेथी के जैसे हमें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा गर्म करना है। जीरा और सौंफ में अभी मॉइस्चर रहता है तो उसे थोड़ा सा हमें गर्म करके उसे थोड़ा सा क्रिस्पी ही बना लेना है। 1 मिनट बाद स्लो गैस पे भूनने के बाद इसकी खुशबू आने लगी तो अभी इसे भी पैन से निकाल लेना है। जीरा और सौंफ के बाद मैंने यहाँ पे ली है राई। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे राई ली है। आप चाहे तो सरसों भी ले सकते हैं। इसमें आप सफ़ेद या पीली वाली सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं या आप रेडीमेड दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर में आपको ईजिली पीली वाली दाल मिलती है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी 2 मिनट के अच्छे से भून लेना है। राई का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है तो इसे भी हमें हल्की मीडियम आंच पे इसे भून लेना है। जब तक राई चटकने ना लगे तब तक इसे भूनना है। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं राई यहाँ पे चटकने लगी है और खुशबू भी आने लगी है, तो इसे निकाल लेना है पैन से और ठंडा करने रखना है। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ठंडा करने के लिए थाली में निकाल लिया है। यहाँ पे सौंफ, जीरा, राई और मेथी मैंने भून लिया है। यहाँ पे मैंने धनिया और लाल मिर्च नहीं भूनी है क्योंकि धनिया का पाउडर मेरे पास ऑलरेडी पिसा हुआ है और मिर्ची भी मैंने पीस के ऑलरेडी रख दी थी, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ किसी भी चीज़ में, इसलिए मैंने यहाँ पर मिर्ची और धनिया नहीं पीसा है। इस तरह सभी मसाले ठंडे होने के बाद हमें इसका पाउडर बना लेना है। 10 से 15 मिनट बाद ही आप मसालों को पीस लें, तभी ऐसे ड्राई पाउडर बनेगा मसालों का, नहीं तो मिक्सी जार में चिपकने लगता है क्योंकि उसमें गर्म करते ही मॉइस्चर रहता है और ठंडा होने के बाद वो थोड़े से क्रिस्पी होते हैं और अच्छे से पीस जाते हैं। लहसुन का मसाला यहाँ पे तैयार है। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम तक लहसुन लिया है। यहाँ पे मैंने छोटी और बड़ी लहसुन की करियाँ अलग करके रखी है और ऐसा मैंने क्यों किया मैं आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इस छोटे वाले कप में मैंने कुछ लहसुन की बड़ी कलियाँ निकाल के रखी है। इस कलियों का हम लोग बाद में यूज़ करेंगे और इससे ही हमारे लहसुन के टेस्ट में बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट और टेस्ट आने वाला है। और इनका यूज़ मैं यहाँ पे कैसे करने वाली हूँ इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, बीच में वीडियो को छोड़ना नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे छोटा वाला मिक्सर जार लिया है, इसमें जो बड़ी कलियाँ मैंने अलग से निकाल के रखी थी उसे डाल लेना है और इसे बिना पानी के दरदरा पीस लेना है, एकदम कोर्सली ग्राइंड करना है, एकदम इसका पेस्ट नहीं बनाना है। यहाँ पे मैंने मिक्सर जार में ये कलियाँ डाल दी, अभी इसे बिना पानी के अच्छे से पीस लेना है एकदम दरदरा। और मैंने इस लहसुन की कलियों को इस तरह से ऐसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं इसका पेस्ट नहीं बनाया मैंने, एकदम जाड़ा सा पीस लिया है। ऐसे ही हमें यहाँ पे लहसुन पीस लेना है। अभी इसे साइड में रख देते हैं तो शुरू करते हैं हमारा मेन अचार बनाना। अभी मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें सारी चीज़ें हमें डाल के अचार बनाना है। लहसुन की कलियों को पहले से अच्छे से धो के सुखा के रखना है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ मिक्सिंग बाउल में डाल दी है। याद रखें लहसुन की कलियों में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लहसुन हमारा ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है और इसमें फंगस लगने लगता है। अभी इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है और इसमें मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। लहसुन के अचार को स्पाइसी बनाना है तो इसमें मिर्ची पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा और आप यहाँ पे तीखा वाला मिर्ची पाउडर लें।
मैंने यहाँ पे पहले ही मिर्ची पाउडर घर में ऐसे बना के रखा है। तीखी वाली मिर्ची को अच्छे से भून के उसका थोड़ा सा झाड़ा सा पाउडर बना के रखा है। और इसमें कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है। लहसुन का अचार थोड़ा तीखा और चटपटा रहेगा तो ही खाने में अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, इससे कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा और एकदम टेम्पटिंग लगेगा हमारा लहसुन का अचार। साथ में हम लोगों ने जो मसाला पीस के रखा है उसे डाल देना है। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें, पहले कम डाल के देखें, अगर बाद में हमें लगेगा कि मसाला थोड़ा कम है तो इसे बाद में भी डाल सकते हैं, एकदम से इस पाउडर को ना डालें। जितनी आपकी लहसुन की क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप 2 से या 3 चम्मच डाल के पहले मिक्स कर लें, बाद में अगर हमें कम लगेगा तो और डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच अपना भुना हुआ मसाला डाला है। अभी यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। धनिया पाउडर मैंने ऐसे अलग से डाला है, इसे पहले मसालों के साथ भुना नहीं था, तो मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और साथ में स्वाद के लिए नमक डालेंगे। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लें, आपका जितना मसाला है और जितनी क्वांटिटी पे आप अचार बना रहे हैं उसके हिसाब से नमक डालें। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नमक डाला है। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अभी के लिए मुझे मसाले की क्वांटिटी सही लग रही है लहसुन के हिसाब से। अगर मुझे बाद में लगेगा कि तेल डालने के बाद मसाला कम है तो और डाल सकते हैं और क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। इस अचार में मैंने लहसुन को कच्चा यूज़ किया है, मैंने इसे तेल में फ्राई या भुना नहीं है। तेल में फ्राई करने के बाद लहसुन का टेस्ट कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा अटपटा आता है, और कच्चा लहसुन हम लोग डालते हैं और कुछ दिन हम उसे सेट करने के लिए रखते हैं अचार को, तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और लहसुन भी थोड़ा सा क्रंची लगता है। अभी मैंने यहाँ पे जो लहसुन पीस के रखा था उसे लिया है। मैंने उतना ही लहसुन पीसा था जितना मुझे यहाँ पे डालना था। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो और कम ज़्यादा लहसुन की क्वांटिटी पीसी हुई ले सकते हैं। मैंने अचार में खटास लाने के लिए यहाँ पे नींबू का रस लिया है। आप चाहे तो इसमें विनेगर, साइट्रिक एसिड या नींबू फूल भी ले सकते हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बट नींबू के रस से इस लहसुन के अचार में टेस्ट भी अच्छा था और बहुत ही चटपटा लगता है। आपको अचार जितना खट्टा बनाना है या जितनी खटास चाहिए उसके हिसाब से आप नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के नींबू का रस निकाल लिया है और इसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। लहसुन की कलियाँ हम लोग इस तरह पीस के डालेंगे अचार में तो मसाले में भी टेस्ट आता है और मसाला हमारा फीका नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि हम लोग लहसुन का ही अचार खा रहे हैं। वैसे तो ऐसे मसाला बनाते हैं तो उसमें कुछ टेस्ट नहीं लगता है, और सिर्फ जब लहसुन खाते हैं तभी हमें ऐसे लगता है कि लहसुन का अचार खा रहे हैं। मसाला हमारा रेडी है, अभी यहाँ पर तेल गर्म करने रखते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप तेल लिया है। आपकी जितनी अचार की क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप तेल लें, तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही। तेल गरम होने के बाद डालेंगे यहाँ पे हींग, थोड़ा ज़्यादा ही ले, उसमें लहसुन के अचार में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है। और हींग भी एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, जितना ज़्यादा हींग अचार में रहेगा अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। जैसे ही हींग हमारा फूलने लगेगा इस स्टेज पर गैस फ्लेम हमें बंद कर देना है और तेल को थोड़ा सा गुनगुना होने तक ठंडा कर लेना है, एकदम से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गुनगुना रखना है। 10 से 15 मिनट बाद तेल हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, अभी हमें इसे लहसुन में डाल देना है। तेल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे हींग वाला तेल डाला है सभी मसालों और हींग की और तेल की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, और जो हम लोगों ने यहाँ पे लहसुन पीस के डाला था उससे तो इसकी खुशबू और ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि अभी इसे खा जाओ, बट अभी ये हमारा अचार सेट नहीं हुआ है, लहसुन की कलियाँ हमारी कच्ची है। बट आप देख सकते हैं मसाला कितना एकदम परफेक्ट बना है, कितना बढ़िया कलर आया अचार में, और एकदम मसालों की क्वांटिटी भी परफेक्ट है, एकदम स्टिक की मार्केट स्टाइल हमारा यहाँ पे मसाला तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके मार्केट स्टाइल तिखा चटपटा लहसुन का अचार घर में बना सकते हैं, वो भी बिना झंझट के। इस अचार को आप एक ग्लास के कंटेनर या बॉटल में भर के धूप में रखेंगे 2-3 दिन के लिए, तो ये अचार जल्दी से सेट हो जाएगा खाने के लिए। अगर आप इसे खाने के लिए वेट नहीं कर सकते हैं तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। वैसे ही इसका मसाला बहुत ही सुपर टेस्टी और स्पाइसी बना है और साथ में चटपटा तो है ही है। इस तरह से लहसुन का अचार बनाएंगे तो आप इसे 3 से 4 महीने तक अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया है प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी लहसुन की अचार की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड वाला सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।
अगर आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो आपको बेल आइकॉन प्रेस करना ज़रूरी है, उससे हमारी नई रेसिपी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।